हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी प्रिय पुस्तक स्वर संगम स्किल बुक में कौन सी नई मात्रा करवाने जा रहे हैं, हम किसका आपको नया मात्रा का ज्ञान देने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारी आज की जो नई मात्रा है वो है औ की मात्रा। इससे पहले जो हमने मात्रा करी थी वो थी ओ की मात्रा, जिसमें एक मात्रा लगती थी। बच्चों ध्यान से सुनिए, पहले जो हमने किया था वो ओ की मात्रा थी जिसमें एक मात्रा लगती थी, और आज हम जो कराएंगे वो है औ की मात्रा। औ, औ की मात्रा, तो इसका उच्चारण भी ओ करके होता है, औ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे औ की मात्रा के कुछ नए नए शब्द। तो सबसे पहले हमारा है क। हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको पहले पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या बन जाएगी। क का में प्लस ओ आ, क्या बन गया? कौआ। क्या बन गया ये? कौआ। जी हाँ, और ये देखिए क्या लिखा है, न। ना में ओ की मात्रा, ध्यान रखिएगा ओ की मात्रा कैसे बनती है, एक लाइन खींचकर उसमें कितनी मात्राएं लगती हैं, उसमें दो मात्राएं लगती हैं। ये देखिए दो मात्राएं हैं ना इसमें, एक ये मात्रा और एक ये मात्रा, और इसका कैसे उच्चारण होता है, नौ, नौ। ना में ओ की मात्रा लग गई तो क्या बन जाएगा, कैसे बुलाएंगे इसको, नौ, नौ का। क्या बन गया ये, नौ का। किसका चित्र है ये, नौ का। ऐसे ही एक ये क्या लिखा है, प। कौन सा अक्षर है ये, प। प में मैंने ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, पौ। क्या बन गया ये, पौ। पौ धा में आ तो क्या बन गया, धा। पौधा, क्या बन गया ये, पौधा। कौवा, नौका, पौधा। चलिए आगे देखते हैं, अब हम ओ के मात्रा के कुछ शब्दों का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और मेरे साथ साथ इसको बोलेंगे भी, इसको दोहराएंगे भी। ठीक, तो सबसे पहले है मौका, शौक। बेटो बच्चों, ओ की मात्रा है, इसमें दो मात्राएं लगेंगी तो हम इसका उच्चारण भी ओ करके करेंगे। चौक, पौन, दौड़, ठौर, बौर, दौर, कौन। आप मेरे मुंह को देख रहे हैं ना, मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कौन नहीं बोल रही, शोक नहीं बोल रही, मैं ओ करके बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें दो मात्राएं हैं। ठौर, बौर, दौर, कौन, मौन, फौज, सौर, लौकी, चौकी, मौसी, गौरी, लौज, चौका, सौदा, बौना, मौज, और, कौड़ी, चौड़ी, ओ, ओ। और अब कुछ तीन अक्षर के शब्द पढ़ते हैं। रा में ओ की मात्रा, ये देखो लाल रंग से इसका निशान है, इसमें दो मात्राएं हैं, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। रौनक, रौनक। ना में फिर से ओ की मात्रा, नौकर, नौकर। प का ओ की मात्रा, पकौड़ा। हम था, हमें ओ की मात्रा, हथौड़ा। क च, च में ओ की मात्रा, कचौड़ी। च में फिर से ओ की मात्रा, चौदह। माँ में फिर से ओ की मात्रा, मौसम। चा में फिर से ओ की मात्रा, चौबारा, चौबारा। तो बच्चों अभी हमने किसकी मात्रा का ज्ञान किया था, किसकी मात्रा का पठन किया था, हमने किया था ओ की मात्रा का, जिसकी पहचान थी एक डंडा खींच के उस पे कितनी मात्राएं, दो मात्राएं। तो चलिए अब हम आगे इसी का पाठ पढ़ते हैं। जी हाँ, अब हम पाठ करने जा रहे हैं ओ की मात्रा का पाठ, जिसमें आप देखेंगे सारी मात्राएं ओ वाली होंगी। आज मौसम,
ये देखिए, जो भी लाल रंग से आपकी मात्राएं हैं वो आपकी पहचान के लिए, जिससे आपको आसानी हो जाए, लाल रंग से की। आज मौसम सुहावना है, सौरभ अपने मित्र गौरव के साथ पौधा लगा रहा है। मौसा जी जौनपुर से आए, वे गौरी के लिए एक खिलौना लाए। कौआ छत पर बैठा है, हमने अपनी मौसी के साथ नौका सैर की। पूनम तौलिए से हाथ साफ करती है, नौकर बाजार से दौड़कर सौदा लाया। तो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने औ की मात्रा का पाठ पढ़ा। हमने जो पाठ पढ़ा इसमें कौन सी मात्राएं थी? औ की मात्राएं, ठीक। और आप भी बच्चों मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ेंगे, जितना आप बोलेंगे, जितना बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी जो प्रोनंसिएशन है, उतना ही आपका ये जो आप पाठ करेंगे, उतना ही आपके स्वर जो हैं और ज्यादा स्पष्ट होंगे, मात्राओं का ज्ञान जल्दी होगा, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए क्या है। चित्रों को देखकर उचित शब्द पर गोला लगाएं। अब हमें देखना है कि इसमें कुछ गलत भी लिखे हैं और कुछ सही भी लिखे हैं। तो जो सही होंगे बच्चों उस पे हम गोला लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, ये औरत और औरत। तो इसमें औरत ये वाला सही है या ये वाला सही है? इसमें ये वाला सही है, तो इस पे गोला लगा दिया। और अब ये कौन बना है? चौकीदार। ये तो लिखा है चौकीदार और ये लिखा है चौकीदार, तो कौन सा सही है? चौ, जिसमें दो मात्राएं हैं, है ना। तो हमने सही के आगे, हमने इसके आगे गोला लगा दिया। और अब ये क्या लिखा है, कौन है? नौकर। इस पे लिखा है नुकर और इधर लिखा है नौकर, तो क्या सही हुआ, नुकर या नौकर? नौकर सही हुआ। हमने नौकर के आगे गोला लगा दिया। और अब अगला है पौधा, यहाँ पर है पैधा, तो कौन सा वाला शब्द सही है? एब्सोल्युटली ये वाला सही है, तो हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया। जो सही शब्द था हमने उसके आगे सर्कल कर दिया। आया मजा, अच्छा लगा? जी हाँ, मुझे पता है आपको ऐसे काम काम बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है अक्षरों को उचित क्रम में लगाकर सही शब्द लिखिए। तो अब हम देखते हैं इन्होंने कुछ आगे पीछे किए हुए, और हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है ये। तो सबसे पहले जो है र द, क्या बनेगा? इसको हम सही शब्द में लगा देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे दौड़। क्या बन गया ये? दौड़। और अगला जो है इसको हम ठीक से करेंगे और ये बन जाएगा, हमने इसको शब्द सही शब्द बना दिया, ये लिखा था कड़ी चौ, और हमने इसको ठीक से कर दिया कचौड़ी, सही शब्द में कर दिया। ऐसे ही आपने लिखा है कामो, क्या लिखा है? कामो, और हमने इसको सही करके कर दिया मौका, हमने लिख दिया मौका। और अब यहाँ पे क्या है, रीकॉप, इसको कैसे सही करेंगे, क्या बन जाएगा सही शब्द बताइए? जी हाँ, इसका बन जाएगा पकौड़ी, क्या बन गया ये? पकौड़ी। और ये क्या बनेगा? रवगो, तो एक नाम है। जी हाँ, ये हमने लिख दिया गौरव, क्या लिख दिया ये? गौरव। और लास्ट लिखा है जी फो, जी फो, इसको सही करके हम लिख देंगे फौजी। तो अभी हमने उचित क्रम में लगाकर सही शब्द बना दिए, ठीक। और अब है चित्रों की सहायता से
वाक्य पूरे कीजिए। अब हमें चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे करने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है पहला चित्र किसका है। पहले चित्र में तो एक बच्चा कुछ खा रहा है। सौरभ क्या खा रहा है? सौरभ हम यहाँ पे लिख देंगे कचौड़ी। सौरभ कचौड़ी खा रहा है। मैं दांत में क्या लगा? पौधा। मैं दांत में पौधा लगा। हमारा ये वाक्य पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सुनी। ये क्या बना है बच्चों? नौका। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? नौका। हमारा वाक्य पूरा हो गया, सुनील नौका चला। और ये क्या है? ये तो कौवा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कौवा बोल रहा है। तो हमने चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा कर दिया। और बच्चों इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। एंड स्टे एक्साइटेड फॉर क्लैम फॉर अनदर वीडियो। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। सो बहुत जल्दी फिर से एक नई मात्रा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता है। तब तक के लिए बाय।